हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास सीरम है तो आप सीरम अप्लाई करके फिर प्राइमर अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम लेंगे फाउंडेशन और टैप टैप करके गीले ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेना है कंसीलर और अपने आईलिड पे, और जहाँ पे भी थोड़ी सी आपको हाईलाइट चाहिए या फिर डार्क स्पॉट है और पिगमेंटेशन है तो वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे भी सेट कर लेंगे, और इसे आप कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हैं या फिर रोज़ पाउडर से। मैं यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो ईयर और नेक को भी कवर करना ना भूलें ताकि आपका फेस जो है इवन टोन दिखे। एंड उसके बाद यहाँ पर पिंक शेड लेकर इस तरह से ग्रीस लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा मरून शेड और उस मरून शेड से अगेन हम ग्रीस लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम लेंगे लिक्विड कंसीलर। तो लिक्विड कंसीलर लेकर आपको अपने हाफ आईलिड पे अप्लाई करना है, और उसके पहले यहाँ पर देखिए सेम मरून शेड लेकर आपको अपने लोअर लेसेस के पास अप्लाई करनी है। तो इस तरह से आप मेरे वीडियोस देखकर बहुत ही सिंपल एंड नेचुरली तरीके से मेकअप करना सीख सकते हैं। ये मेकअप लुक है खासकर बिगनर्स के लिए। कंसीलर को हाफ ऑफ द आईलिड पे अप्लाई करना है, और उसके बाद उसे अच्छे से सेट करने के बाद हम उस पर आई शेडो अप्लाई करेंगे। हम लेंगे डार्क ब्लू कलर, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ब्लाउज है, तो हाफ आईलिड पे हम डार्क ब्लू कलर अप्लाई करेंगे, हाफ आई पे हम डार्क पिंक या लाइट पिंक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइलाइटर लेके आपको आईब्रोज के नीचे अप्लाई करने हैं, देन उसके बाद आईलाइनर अप्लाई किया है मैंने, और उसके बाद काजल, और इसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। सो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं कि शुरुआती तरीके से आप कैसे मेकअप करना सीख सकते हैं, तो मेरे और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिक्विड जो होता है लिक्विड वाला आईलाइनर सिल्वर कलर में, वो मैंने लिया, और आपने देखा मैंने अपने आई के कॉर्नर में लगाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिप बाम भी अप्लाई किया ताकि मेरे लिप मॉइस्चराइज रहे, और उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर के बाद यहाँ पर मैंने लिया है हाईलाइटर। तो जहाँ भी हमारे फेस पे नेचुरली लाइट्स आती है, जैसे कि नोज़ बोन, चीक बोन्स एंड फॉरहेड एंड अपर लिप एंड चिन के पास, तो वहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। अगर आप हाइलाइटर ब्रश से अप्लाई करते हैं हाइलाइटर वाले तो ईजिली अप्लाई हो जाएगा, और अगर फिंगर से करते तो आपको अच्छे से थोड़ा ब्लेंड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिपस्टिक लगा ली है, एंड उसके बाद सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट करना है। सो फ्रेंड्स, अब आप रेडी हैं किसी के फ्री वेडिंग में इंजॉय करने के।